महान क्रिकेटर और भारत की विश्व कप विजेता टीम के कप्तान कपिल देव को यह क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में पूर्व भारतीय कप्तानों अजीत वाडेकर, सुनील गावस्कर और नारी कॉन्ट्रैक्टर की मौजूदगी में लेजेंड्स क्लब हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। विश्व कप 1983 में भारत की जीत के दौरान टीम की कमान संभालने वाले कपिल को देश का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर माना जाता है। पूर्व भारतीय खिलाड़ी और लेजेंड्स क्लब के अध्यक्ष माधव आप्टे ने कपिल को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया। टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज गावस्कर को भी वाडेकर ने सर्टिफिकेट दिया। गावस्कर को 11 जुलाई 2013 में ही क्लब के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। इस सम्मान को स्वीकार करते हुए कपिल ने कहा, इस देश में ऐसा कोई नहीं है जो सुनील गावस्कर नहीं बनना चाहता। काफी लोग आएंगे लेकिन ये नाम हमेशा शीर्ष पर रहेगा। हमारे अंदर खेल के लिए जुनून था और हम पुरस्कारों या किसी और चीज पर ध्यान नहीं देते थे। उस समय हमारे अंदर काफी जुनून था। अगर हमारी सफलता से लोगों को खुशी मिलती है तो हमें गर्व होता था। आपको बता दें कि कपिल देव के नेतृत्व में ही भारत ने सबसे पहले 1983 का वर्ल्ड कप खेला था।